अस्सलामुअलैकुम। एक नए दिन एक नई एपिसोड के साथ हाजिर है आपकी होस्ट जासमा मलिक। आज हम मॉल ऑफ एवेन्यू में हैं और यहाँ पर आए लोगों से हम ये पूछेंगे कि शादी लव होनी चाहिए कि अरेंज। देखते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। इसके अलावा पहेलियाँ होंगी, टंग ट्विस्टर्स होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे हम जिससे आपके इल्म में इजाफा होगा। तो आइए हम लोगों की जानिब चलते हैं, उनके साथ हम गपशप लगाते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमेर वन। उमेर, क्या कर रहे थे आप? मैं नात खानी सीख रहा हूँ, स्टडी कर। अच्छा, नात खानी सीख रहे हो और स्टडी कर रहे हो। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि शादी लव मैरिज होनी चाहिए कि अरेंज होनी चाहिए? लव मैरिज भी इस तरह होनी चाहिए कि घर वाले भी राज़ी हों। अगर अरेंज मैरिज भी होती फिर लड़का भी राज़ी होना चाहिए बाद में। ये बड़ी बच्चे ने बहुत अच्छी बात की है कि क्या की थी, दोबारा बोले। अगर लव मैरिज हो ना तो फिर पेरेंट्स भी राज़ी हो ना, तो फिर और अगर अरेंज मैरिज भी करें तो फिर लड़के को भी राज़ी होना चाहिए यार, लड़की भी, फिर बाद में सारी ज़िंदगी का फिर ही होता है। सारी ज़िंदगी आपने साथ गुजारनी है। अगर लड़के को लड़की पसंद नहीं है या लड़की को लड़का पसंद नहीं है तो गुजारा कैसे हो सकता है? बहुत से लोगों ने कहा है कि अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए। अरेंज मैरिज में तो फिर मोस्टली यही होता है ना कि लड़का लड़की का पता ही नहीं होता दोनों। ये तो है, फिर ये है ना, फिर बाद में लड़ाई झगड़े भी फिर ज़्यादा रहते हैं। लड़के को भी राज़ी होना चाहिए, लड़की अगर कहे कि ठीक है तो फिर इस तरह अरेंज मैरिज हो सकती है, नहीं तो फिर जो है सब कुछ जो है ना देखना पड़ता है फिर। ठीक है, सब कुछ देखना पड़ता है, आप देखभाल के कर सब कुछ देख। अच्छा, आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, कुछ अल्फाज बोलूँगी उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है। चचा की चची को चकरी में चक्कर आ गए। चचा की चची को चकरी में चक्कर आ गए। चचा की चची को चकरी में चक्कर आ गए। चचा की चची को चकरी में चक्कर आ गए। चचा की चची को चकरी में चक्कर आ गए। चचा की चची को चकरी में चक्कर आ गए। चचा को चची की चकरी में चक्कर आ गए। चचा को चची की चकरी में चक्कर आ गए। चचा की चची को चकरी में चक्कर आ गए। किसी में चक्कर आ ही गए हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा? पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर इस्लामाबाद। नौ पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर फैसलाबाद। नो, चलें आप बता दें फिर। मैं बता देती हूँ, आपने नहीं बताना बस है। नहीं फिर नहीं ना पता इसका। नहीं बता, आपसे एक पहेली पूछती हूँ, आप ये गैस करने की कोशिश करें। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पेट में उंगली और सर पर पत्थर होता है? पेट में कछुआ। ऐसे पेट में उंगली और सर पर पत्थर होता है, सोचे। अब देखे ना उंगली में क्या होता है। पेट में नहीं, क्यों नहीं दिमाग काम करता लोगों का? बस पता नहीं, टिकटॉक आ गया ना इसलिए। टिकटॉक आ गए तो टिकटॉक में दिमाग की जरूरत नहीं होती? नहीं, उसमें वीडियो बनानी पड़ती है, उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता ना। अच्छा, उसमें वीडियो बनाते हैं और इसमें दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता। ये तो जब टिकटॉकर्स आपको देखेंगे ना वो बताएंगे आपको कि भाई हम कितना दिमाग लड़ा के कितने क्रिएटिव होके काम करते हैं और आप उनको कुछ रिगार्ड ही नहीं करते हो। अली हैदराबादी ने जो किया है, चलते चलते वो फेमस हो गया अचानक से, तो ये उसने दिमाग तो नहीं ना लगाया, अचानक वह किस्मत की बात होती है सब। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल? इसके अलावा यही है बस, बाकी नदीम नानी वाला जो अपनी नानी की वजह से फेमस हो गया है। करता है वो, नानी के साथ वीडियो बनाता रहा तो फेमस हो गया इसीलिए। तो आप भी कोई वीडियो बना ले फिर फेमस हो? नहीं हम नहीं। अच्छा खैर, आप में टैलेंट क्या, आप क्या शेयर करोगे? मैं नात सुनाना चाहूंगा। ठीक है, माशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसा सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाम आए दीदार अता करना। ऐसा सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना,
जब वक्त नजा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह गजरा करना। जब वक्त नजा आए दीदार अता करना। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नरगिस। नरगिस, आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि शादी लव होनी चाहिए कि अरेंज? अरेंज। अरेंज, सब अरेंज अरेंज क्यों लगे हुए हैं? लव करने के इतने शौकीन होते हैं लोग, लव मैरिज के इतने शौकीन होते हैं, लव करने के लड़ाइयाँ करते हैं, पता नहीं किस किस से लड़ पड़ते हैं, और जब क्वेश्चन ना पूछ किसी से सवाल पूछते वो अरेंज की तरफ चला जाता है। क्या वजह क्या है? क्योंकि आजकल लव पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और लव इस दौर में नहीं होता। नहीं होता क्यों? जहाँ तक मुझे लगता है कि आजकल के दौर में लव नहीं, कोई भी नहीं करता। आपको इंसान हमेशा अपने एक्सपीरियंस से ही बोलता है ना, आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है? ऐसा रहा है, हर किसी की लाइफ में होता है। किसी की लाइफ में होता है तो यानी कि क्या लोग, मैं ये कहूँगी कि दोनों को गलत नहीं कह सकते, लड़की लड़के को, दोनों ही गलत होते हैं। कई मौक़ों पे गलत होते हैं जैसे वैसे रिलेशनशिप्स नहीं चलते और आप लव की तरफ नहीं जाते। हाँ जी, मैं तो कहूँगी कि अरेंज ही करनी चाहिए, माँ बाप की बातों पर अमल करना चाहिए, तभी ज़िंदगी अच्छी जाएगी गुजरेगी। जिस तरह से माँ बाप कहें उस तरह ही करनी चाहिए। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके काटने पर आप तालियां बजाते हैं? ये पहेली है। अच्छा, तो आंसर करने की कोशिश करें। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके जिसके काटने पर आप तालियां बजाते हो? मजाक पे? पहेली है, मजाक में क्या, मजाक में नहीं, आप वाकई ही तालियां बजाते हो। मजाक में नहीं बजाते, वाकई बजाते हो। छुरी, बर्थडे केक। बर्थडे यस, केक के काटने पर तालियां से। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आंसर किया है। आप बताएं कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर? यस, पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर। सिबी? नो। सबसे छोटा शहर सिबी जाता रिया। सिबी क्लाइ चाय पॉइंट। झेलम। ठीक आंसर किया है जी। क्या नाम है आपका? नरगिस। नरगिस ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है दोनों क्वेश्चंस का। नरगिस, अब कोई मज़े का गाना सुना। मेरी आवाज़ नहीं अच्छी? मुझे तो लगता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और नहीं, आपको गाना ही सुनाना है, कोई पाकिस्तान है। नहीं, फिर कोई शेयर अर्ज कर। नहीं, रेसिपी शेयर कर दूं? और रेसिपीज तो मैं आंटियों से पूछती हूँ। तो हम भी तो लड़कियाँ हैं। आप लड़की हैं, आप किसी की मामा तो नहीं है? हाँ ये है, लेकिन खाना बनाना तो सबको आना चाहिए। खाना आता है, लेकिन चले खैर, आपको वैसे ही मैं तंग कर रही थी। आप शेयर कर सकती हैं, आप रेसिपी भी शेयर कर सकती हैं। तो रेसिपी मैं छोटी सी बता दूँ या कोई लंबी सी? जो आप बहुत अच्छा बनाते हो और आपको लगता है कि ये रेसिपी बहुत डिफरेंट है, लोग पकाएंगे तो बहुत सुन के, चिकन कढ़ाई की कोई बहुत यूनिक किस्म की कढ़ाई बनाती हैं? चिकन कढ़ाई का ये होगा कि सबसे पहले जो है चिकन अच्छी तरह धो के उसको फ्राई कर लें, ठीक है, और जो उसके प्याज लें, टमाटर लें, प्याज को लाइट ब्राउन करके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बना के, प्याज लाइट ब्राउन करके उसमें मिक्स करके फिर चिकन फ्राई कर लें। चिकन फ्राई करके चिकन को जब आप भून लेंगे तो मसाले ऐड करके दही की 2 चम्मच वो भी डाल लें, और उसको जब अच्छी तरह आप भून लेंगे तो गार्निश कर लें धनिया और अदरक लहसुन के साथ। वो तो पहले कर ही लिया, तो पुदीना और धनिया के साथ गार्निश कर लें और सर्व कर दें। यम्मी किस्म की जो कढ़ाई है वो तैयार है। चचा की चची को चक्री में चक्कर आ गए,
इसको आप 5 दफ़ा बोलें। एक बार ट्विस्टर है ये, चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए। चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए। चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर चक्कर आ गए। चक्कर आ गए। चच्चा की चक्री, चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए। चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए। चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए। स्लो नहीं, बहुत स्पीड में बोलना आपने। अच्छा, चच्चा की चच्ची को चच्चा को चच्ची की चक्री में चक्कर आ गए। चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए। बस 5 दफ़ा चच्चा की चच्ची, आपने 5 दफ़ा बोलने हैं, रुकना नहीं है और बस बोलती जाना है, ठीक है? चलिए काउंट करते हैं। ओके, एक बार और रिपीट करेंगे आप। चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए। चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए। चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए। चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए। चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए। चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए। चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गया। ठीक है जी, 6 टाइम्स हो गया। गोल्डन बनस्पति की जानिब से गिफ्ट आपके लिए, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपने सवाल के बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में हम लोगों के साथ खूब गपशप लगा रहे हैं, मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि शादी लव होनी चाहिए कि अरेंज होनी चाहिए। आप लोग भी सोचिए, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। चाचा की चाची को चक्री में चक्कर आ गए। चाचा की चाची को चक्री में चक्कर आ गए। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं पहले अरेंज हुई थी, अब लव में इसको। अच्छा, पहले अरेंज थी, अब लव हो चुकी है, ठीक है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आइए हम कुछ मजीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनके साथ हम खूब गपशप लगाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेहरीन। आपका नाम? सरिश। अच्छा, आप दोनों मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि शादी लव होनी चाहिए कि अरेंज? अरेंज होनी चाहिए। अरेंज क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं ना आपको होती। पहले बहुत बंदा करता है और बाद में उस तरह नहीं करता, तो मेरा ख्याल है रेंज होनी चाहिए। बाद में फिर एक्सपेक्टेशंस टूटती नहीं है और कामयाब भी होती है। तो क्या जिसके साथ आप अरेंज मैरिज करते हो, शादी के बंधन में बन जाते हो, शादी हो जाती, उसके बाद क्या आप उससे नहीं एक्सपेक्ट करते? तो पहले का नहीं ना उसका पता होता, वो तो जो होता है वो ही होता है, और फिर आपको एक जानने का टाइम भी लगता है, आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। 4 साल गुजर जाते हैं तो उसके बाद भी एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं होती? कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ठीक है, आई थिंक अरेंज मैरिज इज बेस्ट। मैं क्या कहूँ? आपके जो जहन में है इस बारे में, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर बात को लेकर। सबकी अपनी अपनी होती है, मैं तो कहती हूँ अपनी अपनी शादियाँ होती है, अपनी अपनी किसी की लव मैरिज होती है, किसी की अरेंज होती है। जिसकी लव हुई हुई है वो लव कहेगा, जिसकी अरेंज हुई हुई है वो अरेंज कहेगा। सबका अपना अपना माइंड होता है। हाँ, माइंड होता है। चलिए आपसे एक सवाल कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसके पेट में उंगली और सर पर पत्थर होता है? जिसके ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पेट में उंगली और सर पर पत्थर होता है? उंगली से सोचे ना, क्या हो सकता है? फिंगर में क्या? रिंग। रिंग ठीक आंसर किया है, जल्दी सोच लिया आपने। अच्छा, आप बताएं कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? जेलम। ठीक आंसर किया है, कमाल, वाह भी वाह, क्या बात है। अच्छा, आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए, इसको आप 5 दफ़ा बोलें। चच्चा की चक्री को चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए। चक्री जगह का नाम है, चक्री में चक्कर आ गए। चच्चा, इन्होंने समझा, चक्री में चक्कर आ गए। चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए। चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए। चच्चा की चच्ची को चक्कर आ गए। चाचा की चाची को चच्चा की चच्ची को चक्री में चक्कर आ गए कह लेते हैं ना। चाचा कह ले। चाचा की चाची को चक्री में चक्कर आ गए। चाचा की चाची को
चक्री में चक्कर आ गए, चाचा की चाची को चक्री में चक्कर आ गए, चाचा की चाची को चक्री में चक्कर आ गए, चाचा की चाची को चक्री में चक्कर आ गए, चाचा की चाची को चक्री में चक्कर आ गए, चाचा की चाची को चक्री में चक्कर आ गए। अच्छा जी, आप शेयर क्या करेंगे? आप दोनों में से किसी को गाना आता है? गाना नहीं, अभी नहीं। गाना आता है आप दोनों में से किसी? नहीं। दोनों ब्यूटी टिप शेयर करें, आप भी एक और आप। ब्यूटी टिप शेयर करें क्या? मस्त स्किन से रिलेटेड, कोई हेयर से रिलेटेड ब्यूटी टिप? एलोवेरा लगाएं, रोज़ वाटर लगाएं, अपनी स्किन का ख्याल रखें। हेयर्स के लिए ये है कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें, शाइनी हेयर्स होते हैं। गोल्डन बनस्पति की जानिब से ये गिफ्ट आपके लिए, आपने बिल्कुल ठीक आंसर्स किए हैं जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? ताहिर। ताहिर, आप क्या कर रहे थे? बस शॉपिंग करने आया था। ये बस शॉपिंग क्या होती है? बस की शॉपिंग, विंडो शॉपिंग। बस शॉपिंग किससे मुराद होती है? पाकिस्तानियों की विंडो शॉपिंग। अच्छा, तो ताहिर आप मुझे ये बताओ कि आपने टैलेंट्स क्या हैं? टैलेंट्स ये हैं कि सारे टैलेंट्स हैं मेरे में। किस कौन से टैलेंट्स हैं आप? जैसे कि मैं गाना गा सकता हूँ। ठीक है, आपसे गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे होगा एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? जनरल नॉलेज कैसे आप? बहुत अच्छा। चलें फिर बताएं, सबसे छोटा शहर कौन सा? झेलम। झेलम, सोच लें। कंफर्म, क्योंकि मैंने सीएसएस अटेम्प्ट किया हुआ है, तो उस वजह से मैं बताया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, आपने सीएसएस अटेम्प्ट किया। तो अब सीएसएस के जिसने अटेम्प्ट किया उसे एक पहेली पूछते हैं, देखते हैं कि जो सीएसएस के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कि एस्पिरेंट्स जो भी होते हैं, वो उनकी पहेली, उनका दिमाग कैसा है? दिमाग भी अच्छा होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पेट में उंगली और सर पर पत्थर होता है? पेट में उंगली, सोचे ना, उंगली से, फिंगर से मुराद क्या? पेट में उंगली किसकी होती है? सर पर पत्थर होता है, ये भी सोचें। वो रिंग। ठीक आंसर किया, क्लैपिंग करें अपने लिए। अच्छा, आपसे फिर एक और सवाल करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ती भी है और कम भी होती है? बढ़ती भी और कम भी होती है? बाल। हाँ, कह सकते। वाह, बढ़ती भी और कम भी होती है। एज। बिल्कुल ठीक, क्या दिमाग है भाई, वाकई बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ठीक। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, चाचा की चाची को मुश्किल नहीं करवाना। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं करवाऊंगी आपसे। चाचा की चाची को चक्री में चक्कर आ गए। चाचा की चाची को चक्री में चक्कर आ गए। चाचा की चाची को चक्री में चक्कर आ गए। चाचा की चाची को चक्री में चक्कर आ गए। चाचा की चाची को चक्री में चक्कर आ गए। चाचा की चाची को चक्री में चक्कर आ गए। अच्छा ठीक है जी, टंग ट्विस्टर तो बहुत ज़बरदस्त किया, ये पहले शख्स है जिन्होंने बहुत स्पीड में टंग ट्विस्टर किया बगैर किसी गलती के। अब आप अपना कोई टैलेंट शेयर करें। हाँ बता रहे, गाना बहुत अच्छा है। जी कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? आपको जो बहुत अच्छा आता है। मुझे रिसेंटली, मैं अभी सुन रहा था गाड़ी में, भी सुन रहा था राहत फतेह अली खान साहब का है, तो वो मैं गाना सुनूंगा। ओके। भूल जाने का हुनर मुझको सिखा ते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मुताते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, दौड़ते तोड़ते तालुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक
बिछड़ जाइएगा। जोशी बहुत अच्छे से गाना गाया आपने और सवालात के भी बिल्कुल ठीक आंसर किए आपने, तो एक गिफ्ट गोल्डन वनस्पति की जानिब से, ये ऑयल आपके लिए गिफ्ट। बहुत शुक्रिया। क्या करेंगे अब इस ऑयल का? मैं घर वालों को दूंगा, मैं गूंगा, ये देखो मैं कुछ कमा के लेकर आया हूं, जीत के लाई हूं, इसमें पकोड़े और फ्राइज बना के दे मुझे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान। इस बच्ची का क्या नाम? एलिजा नुमान। बहुत क्यूट है, यू आर सो क्यूट। नो नो नो। अच्छा आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, मैरिज यानी कि शादी लव होनी चाहिए कि अरेंज? जो भी हो अच्छी होनी चाहिए, वैसे लव लव तो ज़्यादा नहीं चलती। जो भी हो बस हो जानी चाहिए। टाइम से हो जानी चाहिए। से हो जानी चाहिए, इसके अलावा होनी कौन सी चाहिए लव के? अरेंज। अरेंज बेस्ट रहती है वैसे मामा। क्यों? आपको से बंदा बच जाता है, अगर लव हो तो उसमें एक मसला ये होता है कि सब कुछ आप पे ब्लेम होता है कि आपने की थी, आप लेके आए ये वो। सिर्फ एक ब्लेम की वजह से कि आपको कोई ब्लेम ना करे, आप अरेंज मैरिज कर लेंगे अगर आपको प्यार भी है किसी से? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे किसी से प्यार है, आप उसको कहेंगे नो मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई ब्लेम करे तो मैं आपसे शादी नहीं कर रहा? नहीं नहीं, शादी के बाद ऑब्वियसली प्यार हो जाता है। शादी के बाद प्यार हो जाता है, ठीक है। आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज? मेरी अरेंज थी, अब लव होगी भी। अच्छा मैंने कहा पता नहीं, पहले अरेंज हुई थी अब लव मैरिज हुई। अच्छा पहले अरेंज थी अब लव हो चुकी है, ठीक है। तो कैसे एक्सपीरियंस आ रहा है आपका? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैरिज में कौन क्या पर्क्स हैं अरेंज मैरिज? काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं, और जैसा कि ये है कि फैमिली में आपकी कैसे कहते हैं आना जाना अच्छा हो जाता है, कहीं भी जाना है, दो फंक्शन हैं तो उनकी तरफ से आना जाना तो तब अच्छा होता है ना जब आप का मतलब है क्या है कि सेम फंक्शन होते हैं, ये जो लव होती है मोस्टली बाहर होती है तो दो फंक्शन अटेंड करना पड़ते हैं, ये सेम फैमिली में एक ही फंक्शन होता है, उनकी साइड से हमारी साइड से सेम होता है। अच्छा यानी कि आपकी फैमिली में शादी हुई है, फैमिली में शादी हो तो फिर ये फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज़ कहीं दूसरी जगहों पर भी शादी अरेंज होगी तो फ़ायदा तो उसका नहीं होगा इतना कोई खास जो आपने बताया। अच्छा खैर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर झेलम भी है और मरी भी है। मरी भी है कि झेलम है, दोनों में से कोई एक बताए? झेलम ही कह सकते हैं। झेलम पक्का? हाँ जी। सोच ले। हाँ जी बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। आपसे एक और सवाल पूछूं? पूछें आप मुझे बताएं, ऐसी ये पहेली है एक, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके काटने पर आप तालियां बजाते हैं? काटने पर तालियां बजाते हैं? मच्छर। मच्छर के काटते हैं, मच्छर तो हमें काट जाता है, हम मच्छर को नहीं काटते। इसका जवाब नहीं आता यार, सोचें सोचें आपको आ जाएगा। तालियां कब बजाते हैं? तालियां तब बजाते हैं कि जब खुशी हो, इसलिए यार एक्साइटेड। किस मौके पे खुशी हो? किसी भी मौके पे, शादी भी हो सकती है, कोई फंक्शन, स्कूल फंक्शन, कॉलेज। ऐसे तो नहीं तालियां बजाने लग जाते, कुछ ऐसा होता है तो तालियां बजाते हैं जिसको हम काटते हैं? नहीं। आप शेयर क्या करेंगे? शेयर ये करेंगे कोरोना की वजह से बहुत से मसले हो रहे हैं तो लोगों को हिफाजत करनी चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए और क्या उसे कहते हैं, जितनी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सके उनको करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स हम लोगों से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है, मुझे यकीन है कि आप सबको ज़रूर पता होगा, अगर लोगों को नहीं पता तो आपको ज़रूर पता होगा, नहीं भी पता तो प्लीज़ सर्च कीजिए। हाजिर होंगे हम एक ब्रेक के बाद। किसे दानी कोई ये थे यार सर झूठे ने झूठियाँ मुहब्बतां। कौन सी चीज़ है जिसके काटने पर आप तालियां बजाते हो? कैंची, छुरी। से काटते हो, छुरी से काट लेते हो सब? चुंडी। चुंडी चुंडी क्या होता? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी, आइए हम कुछ फैमिलीज के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं, देखते हैं कि उनको लव का कितना एक्सपीरियंस है, क्या वो कहते हैं लव मैरिज होनी चाहिए कि अरेंज होनी चाहिए। आइए। क्या नाम है आपका?
इकराम। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ऐसी ये पहेली है, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ती भी है और कम भी होती है? जिंदगी। जिंदगी से मिलता जुलता है, एग्जैक्ट वर्ड बताएं। सॉरी दोबारा कर सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ती भी है और कम भी होती है? उमर। ठीक आंसर किया है। आपसे एक और सवाल करते हैं, आप मुझे बताएं कि एक ही बढ़ हाँ सवाल चलें फिर सॉन्ग सुने आपसे, कौन सा सॉन्ग सुना? सुना किस दन कोई इत्थे यार सर झूठे ने, किस दन कोई इत्थे यार सर झूठे ने, झूठियां मुहब्बतां झूठियां मुहब्बतां दे प्यार सर झूठे ने, किस दन कोई इत्थे यार सर झूठे ने, किस दन कोई इत्थे यार सर झूठे ने, मली इत्थे बागां दी बहार वेच देंदे ने, कलियां ते फुलां दा सिंघार वेच देंदे ने, मली इत्थे बागां दी बहार वेच देंदे ने, कलियां ते फुलां दा सिंघार वेच देंदे ने, करदे ने प्यार दा करदे ने प्यार दा व्यापार सर झूठे ने, किस दन कोई इत्थे यार सर झूठे ने, किस दन कोई इत्थे यार सर झूठे ने, झूठे इत्थे आशिकां दी आशिकी दे रंग ने, कच्चे थगे वांग इत्थे संगियां दे संग ने, झूठे इत्थे आशिकां दी आशिकी दे रंग ने, कच्चे थगे वांग इत्थे संगियां दे संग ने, सोनियां दे कोल ते सोनियां दे कोल ते करार सर झूठे ने, किस दन कोई इत्थे यार सर झूठे ने, किस दन कोई इत्थे यार सर झूठे ने। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद। आपका नाम? अली हैदर। क्या कर रहे हो आप दोनों यहाँ पर? घूमने फिरने आए हैं। अच्छा, क्या करने आए हो? घूमने फिरने। घूमने फिरने जो फिरने क्या होता है? घूमने और सैर करने आए थे। घूमने फिरने फिरने क्या होता है? क्या करने आए हो? फिरने। घूमने फिरने हाँ, घूमने फिरने आए हैं। आपने कितना घूम लिया है फिर? अभी आए हो। अभी आए हो, ठीक है। घूम घूम के सर दर्द नहीं करता? चकरा चकरा का कभी नहीं? घूम घूम के किससे बात कर रहे हो? नहीं वैसे कर लेना बातें जो जेन में आ रही, बाद में कर लेना, अभी यहाँ पर बात कर लो। आपको पता है कैमरे के सामने जब आप खड़े हो तो उधर नहीं देख, पता है ये? तो फिर उधर क्यों देख? गलती हो गई है। चलिए ठीक है, आपको मैंने माफ़ किया, आपने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने आपको माफ़ कर दिया। देखें मैं कितना बड़ा दिल है मेरा। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप दोनों मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? सबसे छोटा शहर तो रोने लग गई हो मास्क पहन लिया, रोना छुपा रहे दोनों को। कहाँ पूरी जिंदगी गुजार दी? पढ़ते नहीं हो? लाहौर। लाहौर में। लाहौर में गुजार दिया तो स्कूल नहीं गए? नहीं। फिर आपको तो आना चाहिए कराची। ओह, कराची सबसे छोटा लगता है शहर? नहीं। पेशावर। फैसलाबाद। सिंध। मुल्तान। शायद कोई तुक्का सही लग जाए। मुल्तान। गुजरात। अच्छा छोड़ो, शहर को छोड़ो, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके काटने पर आप तालियां बजाते हो? काटने पर तालियां बजाते हो? क्या? कौन सी चीज़ है जिसके काटने पर आप तालियां बजाते हो? कैंची, छुरी। से काटते हो, छुरी से काट लेते हो सब? चुंडी। चुंडी। चुंडी क्या होता है? काटे उसे। तालियां बजाई उसने? केक। केक काटने पर, बिल्कुल ठीक लगा हुआ। केक केक केक
उसकी कोई सुन ही नहीं रहा जी। सुन लिया आपके की है, बिल्कुल ठीक आंसर किया। क्लैप नहीं करे, आपका दोस्त चुंडी काटना चाह रहा था आपको, हम तो देखते हैं चुंडी क्या होता है, चुंडी काट। अच्छा आप पढ़े लिखे हो जी, तो क्यों नहीं ठीक आंसर किया फिर जवाब? पाकिस्तान का सबसे छोटा जाता है, 10 दिन ही जाता है, वही ना सब पढ़ा लिखा के आपको आंसर नहीं आ रहा, आप दूसरों को कह रहे हो पढ़ा लिखा नहीं, ऐसे कहते हैं दोस्त? नहीं मैडम, उसको अपने साथ स्कूल है, उसे क्या पता दोस्तों की कदर का, आपको क्या पता किस तरह करते हैं कदर? मैं इसके साथ जिधर भी जाता हूँ या मैच जाता हूँ, इसको लेके जाता हूँ, ये जिधर भी जाता हूँ मुझे लेके ले जाता। बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो तो वो तो कह रहा है कि आप उसे कहीं लेकर नहीं जाते, आप इसे लेकर आए हो और ये आपको लेकर नहीं आ, कैसे दोस्तों आप? मैं भी जाता। अच्छा आप छोड़ो छोड़ो, लड़ाई ना कर लेना। अच्छा चचा की चची को चक्री में चक्कर आ गए, इसको आप 5 दफ़ा रिपीट करो। चचा की चक्री को चक्कर, चचा की चची को, इसमें बारी क्यों आपकी? चाचा की चाची को चक्री में, चक्री में चक्कर आ गए, चाचा को चाची को चक्री में चक्कर आ गए, चाचा को चाची पे चक्री में चक्कर आ गए, चाचा को चाची में चक्री को चक्कर आ गए, चाचा को चाची की चक्री में चक्कर आ गए, चाचा को चाची की चक्री में चक्कर आ गए, चाचा को चाची की चक्री, चाचा को चाची की चक्री, ये चाची की चक्री क्या होता है? चाचा की चची को चक्री में चक्कर आ, चाचा को चाची, चाचा की चची को, चाचा की चाची को चक्री में चक्कर आ गए, चाचा को चाची को चक्री चक्री में चक्कर आ गए, चाचा को चाची को चक्कर में चक्री चक्री में चक्कर आ गए, चाचा को चाची को चक्री में चक्कर आ गए, चाचा को चाची की चक्री में चक्कर आ गए, चाचा को चक्कर आने लग गए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था और लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में बहुत ही मज़े के सवालात के जवाब सुनने को मिले हैं। तो और सवालात जो मैंने पूछे उनकी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर है जेहलम, और वो क्या है जिसके पेट में उंगली और सर पर पत्थर होता है? वो है अंगूठी। आपके जो उसका पेट होता है उसके अंदर हमारी उंगली होती है और उसके सर पर होता है पत्थर, यानी कि नाक वगैरह जो लगे होते हैं अगर प्रॉपर अंगूठी की बात की जाए तो वो होती है। और एक और क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके काटने पर हम तालियां बजाते हैं? वो है केक। वो क्या है जो बढ़ती भी है और कम भी होती है? वो है आपकी उम्र, यानी कि आपकी एज। तो ये सवालात के जवाब थे। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़मा मलिक को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए, और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।